हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों आपकी और मेरी खुद की फेवरेट बाइक बुलेट 350। फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में इस बाइक से रिलेटेड आप लोगों को कंप्लीट ही इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। सारी हम डिटेल में बात करेंगे इस वाली बाइक से रिलेटेड। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर माइलेज के बारे में बात करेंगे, साउंड के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट में मैं आपको इसकी फाइनेंस की डिटेल भी दूंगा। दोस्तों, अगर आप इसको फाइनेंस कराना चाहते हैं या लोन कराना चाहते हैं January 2022 में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, कितनी आपकी EMI जाएगी और कितनी आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। सो कंप्लीट डिटेल आप लोगों को वीडियो ये वाली मिलने वाली दोस्तों। सो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हैं आप लोग, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को देनी शुरू करता हूँ मैं स्पेसिफिकेशन। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं टायर से। आप लोग इसका फ्रंट टायर देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को 90x19 inches का फ्रंट टायर मिलता है। फ्रंट बैक दोनों सेम टायर प्रोफाइल आप लोगों को मिलती है, लेकिन जो टायर पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। रियर टायर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्लिम इसके अंदर मिलता है, एंड वो भी आप लोगों को फ्रेंड्स 90x19 inches का आप लोगों को मिलता है। ट्यूब टायर इसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं, एंड सिल्वर स्पोक रिम्स इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों मिलते हैं। इस बाइक के अंदर दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को डिस्क मिलती है, रियर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। सिंगल डिस्क सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट होता है दोस्तों ये। एंड बात करें डिस्क साइज की, तो इसका जो डिस्क है वो आप लोगों को 270mm की आप लोगों को इसके अंदर डिस्क मिलती है फ्रेंड्स फ्रंट में। रियर में आप लोगों को इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। आप लोग इसके फ्रंट की सस्पेंशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रंट में आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके अंदर मिलते हैं, एंड दोनों ही साइड में आप लोगों को सस्पेंशन की रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसके मडगार्ड क्वालिटी की, तो आप लोग इसका मडगार्ड देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बाइक का जो कलर है वो आप लोगों को कम्प्लीटली ब्लैक में मिलता है। जो इसका मडगार्ड है वो भी आप लोगों को इसमें ब्लैक ही मिलता है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है दोस्तों इस वाली बाइक की। तो दोस्तों, अगर आपको इसका मॉडिफाइड वाला वेरिएंट देखना है, जो कंपनी की तरफ से मॉडिफाइड वाला वेरिएंट था, तो उसकी भी मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ आई बटन में आप लोगों को लिंक आ गया होगा, आप लोग यहाँ से इसको क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको जाके देख सकते हैं दोस्तों। अभी फ्रेंड्स, आप लोग ये वाली वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों। तो अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा ऊपर, बात करते हैं इसकी हेडलाइट के बारे में। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट में हेलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है, जो कि आप लोगों को ओवल शेप की मिलती है। ओल्ड स्कूल रेट्रो लुकिंग बाइक होने वाली दोस्तों ये। इस बाइक के अंदर आप लोगों को कोई खास ज़्यादा लेटेस्ट फीचर्स या अपडेट्स नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सोवर बाइक है ये, एंड ये ही इसकी ओरिजिनलिटी है, जो कि बुलेट की पहचान होती है दोस्तों। ये है ओरिजिनल बुलेट, जो कि बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है। एंड ये आप लोगों को हेलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके अंदर DRL LED कहीं पे भी कोई यूज़ नहीं किया गया है। LED भी कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगी बाइक के अंदर। इंडिकेटर्स आप लोगों को दोस्तों काफ़ी बड़े इसके क्रोम इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि आप लोगों को बल्ब वाले दिए जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर इसके हैंडल के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये है इसका हैंडल, आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों BS6 वाला वेरिएंट है, एंड इसकी फीचर्स की बात करें, इसमें आप लोगों को कोई खास फीचर नहीं मिलते। सिंपल एक एनालॉग मीटर आप लोगों को इसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को दोस्तों किलोमीटर शो करता है। एंड छोटा सा आप लोगों को साइड में एक और मीटर मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को ABS और लो फ्यूल इंडिकेशन शो करता है। इसके अलावा इसमें कोई आप लोगों को फीचर शो नहीं करता है। हैंडल के ऊपर आप लोगों को सिंपल से बटन आप लोगों को मिलते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को दोस्तों एक पास स्विच मिलता है, हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, इंडिकेटर का स्विच मिलता है, और एक आप लोगों को फोन का स्विच इसके अंदर मिलता है। साइड में इसके अंदर आप लोगों को देखेंगे दोस्तों, साइड में आप लोगों को इंजन किल स्विच मिलता है। इसके नीचे आप लोगों को दोस्तों सेल्फ वगैरह का स्विच नहीं दिया जाता है, एज इन ये बाइक जो है किक स्टार्ट बाइक है। इस बाइक के अंदर सेल्फ नहीं है दोस्तों। एंड अब बात करते हैं सबसे ही मेन पार्ट के ऊपर, वो है इस बाइक का टैंक। तो फ्रेंड्स, ये है इसका टैंक, आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक लेजेंडरी बाइक है अपने आप में, यानी लेजेंडरी टैंक है। फ्रेंड्स, ये जो आप आउटलाइन देख पा रहे हैं इसके टैंक पे, ये हैंडमेड होती हैं दोस्तों। ये बाइक ऐसी दोस्तों, अगर आप किसी भी एज ग्रुप में अभी हैं, तो आपके ऊपर ये बाइक सूट करेगी दोस्तों। ये बाइक इसलिए सूट करेगी क्योंकि इसकी जो शेप है वो दोस्तों ये इसी सबसे बनाई जाती है। हम जो इंडियंस हैं वो इस बाइक को इसलिए ही पसंद करते हैं, चाहे आपकी एज अभी 20 ईयर्स हो, 30, 40, 50, 60 तक आपकी एज है, 70 के भी अगर आप हैं, अगर आप तब भी इस बाइक को चलाएंगे फ्रेंड्स, आपके एज के ऊपर, आपके ऊपर ये वाली बाइक सूट करेगी। आप पतले हैं, मोटे हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। इस बाइक पे बैठने के बाद ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं दोस्तों। एंड आप लोग इसका रॉयल इनफील्ड का 3D का लोगो देख सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को काफ़ी बड़ा एक रॉयल इनफील्ड का लोगो इसके अंदर मिल जाता है। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, यहाँ आप लोगों को दोस्तों 13.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आप लोगों को मिलता है।
आ जाते थोड़ा सा नीचे, बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये है इसका क्रोम इंजन जो आप लोगों को मिलेगा। एंड दोस्तों, इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, ये आप लोगों को 346 सीसी का इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 19.1 bhp की पावर विद 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड आप लोग इसका बैंड पाइप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये आप लोगों को कैटलेटिक कन्वर्टर इसके बैंड पाइप में लगा हुआ मिल जाएगा। ये BS6 वाला वेरिएंट है फ्रेंड्स। एंड इसका साइलेंसर भी आप लोग देखेंगे, बैंड पाइप साइलेंसर सब आप लोगों को इसके अंदर क्रोम में मिलता है दोस्तों। एंड दोस्तों, ये EFI वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आप लोगों को कार्बोरेटर नहीं मिलेगा, आप लोगों को EFI मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा फ्रेंड्स। इस बाइक के अंदर दोस्तों कार्बोरेटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पिकअप आप लोगों को मिलता है। जो हमारा BS4 वाला वेरिएंट था उसमें आप लोगों को दोस्तों थंप और आवाज़ काफ़ी अच्छी मिलती थी, लेकिन इसके अंदर भी आवाज़ आप लोगों को मिलती है, ऐसा नहीं है इसके अंदर नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये FI वाला वेरिएंट है, इसके अंदर आप लोगों को आवाज़ उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। एंड अगर आप इसमें पटाखे मारने की अगर आप कोशिश करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों आपका बहुत एक मोटा खर्चा आपकी बाइक के अंदर आ जाएगा दोस्तों। गलती से भी इसमें कभी पटाखे मारने की ट्राई मत करना। जो FI होता है दोस्तों, ये उड़ जाता है सीधा। आपका जो खर्चा बैठेगा वो सीधा ही दोस्तों 15,000 से 20,000 रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा इस वाली बाइक के अंदर। तो एक ही आप लोगों को टिप देनी थी, अगर आपने अभी नई नई बाइक ली है या आप लेने की सोच रहे हैं, आपको ये चीज़ पता नहीं थी दोस्तों, तो आपको ये वाली बात भी मैं बता देता हूँ। तो ये कभी भी ट्राई मत करना इस बाइक के अंदर, क्योंकि जो लेटेस्ट जनरेशन की बाइक है, पहली बात तो इसके अंदर पटाखा निकलेगा ही नहीं दोस्तों। आप जितनी भी ट्राई कर लीजिए, इस बाइक के अंदर पटाखा आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इसके अंदर EFI सेंसर लगा हुआ है, जिस वजह से इसके अंदर जो पेट्रोल कम ज़्यादा है उसको ये पता है कितनी लिमिट में भेजना है, उससे ज़्यादा वो पेट्रोल इसके अंदर भेजेगा ही नहीं। तो आप अगर पटाखे मारने के इसके अंदर गलती से भी कोशिश करेंगे तो आपकी बाइक का एक बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम सीट की तरफ। आप लोग इसकी सीट देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छी सीट मिलती है। थोड़ी सी हार्ड है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एक थोड़ी सी सीट आप लोगों को हार्ड इसके अंदर मिलती है। ये जो सीट है लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं है, लोकल यूज़ के लिए सीट बहुत बढ़िया आप लोगों को मिलती है। इस बाइक के अंदर कहीं पे भी आप लोगों को प्लास्टिक या फाइबर का यूज़ नहीं मिलता है, कम्प्लीटली आप लोगों को लोहे की ये बाइक मिलती है, या हम इसको मेटल की बाइक कह सकते हैं। रियर सस्पेंशन की बात करते हैं, रियर में आप लोगों को हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसके अंदर मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप लोग इसके रियर से व्यू देख सकते हैं, जो इसका मडगार्ड है रियर वाला वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। उसको जो बैंड है इस तरीके से किया गया है दोस्तों, उसकी शेप ही इस तरीके से है कि पूरी बाइक की जो लुक है वो एनहेंस कर देता है। रियर में आप लोगों को काफ़ी बड़े बड़े इंडिकेटर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, क्रोम इंडिकेटर्स आप लोगों को मिलते हैं। रियर टेल लाइट आप लोग देखेंगे, रियर टेल लाइट भी आप लोगों को इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी मिलती है, रेक्टेंगुलर शेप की आप लोगों को मिलती है। पीछे आप लोगों को नंबर प्लेट लगाने के लिए प्रॉपर जगह दी जाती है दोस्तों। एंड आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे दोस्तों, जो इसका रियर में आप लोग नंबर प्लेट लगाने की जगह देख पा रहे हैं, जो प्लेट है पहले ये वाइट आती थी, अब कंपनी ने ही इसको ब्लैक कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग लेने के बाद इसको ब्लैक ही करवाते थे, तो कंपनी ने इसको ब्लैक ही दे दी है। पीछे आप लोग को एक रिफ्लेक्टर भी छोटा सा मिलता है। अब आप लोग एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, जो उसका रियर टायर है वो बहुत ज़्यादा स्लिम आप लोगों को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली सेफ नहीं है इस बाइक के लिए, क्योंकि इस बाइक का जो वेट है, इस वेट और पावर के हिसाब से ये टायर्स दोस्तों इसके लिए कैपेबल नहीं है। आपको चेंज ही करवाने पड़ेंगे ये वाले टायर, क्योंकि जो टायर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अगर आप लोकल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग रूट पर जाना है तो आपको बैलेंसिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है दोस्तों। एंड दोस्तों, बात करें इस बाइक की कर्व वेट की, इसके अंदर आप लोगों को 195 kg का कर्व वेट आप लोगों को मिलता है इस बाइक के अंदर। सीट हाइट की बात करें, 800 mm की सीट हाइट इसके अंदर आप लोगों को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आप लोगों को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी सारी स्पेसिफिकेशंस जो मैंने आप लोगों को बताई इस वाली बाइक के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स माइलेज की। तो ये बाइक आप लोगों को ईजिली 30 से 35 की माइलेज जो है दोस्तों निकाल के दे देती है। अगर आप इसको काफ़ी अच्छे से राइड करेंगे तो आपकी बाइक आप लोगों को 40 तक की भी माइलेज निकाल के ईजिली दे देगी। अब बात करते हैं दोस्तों साउंड की। सो आप लोग एक बार इसकी साउंड भी सुन लीजिए दोस्तों। सुनिए आप लोगों ने इस बाइक की साउंड,
ऐसी आप लोगों को इसकी जो साउंड मिलती है। आई नो इसकी साउंड है जो काफ़ी ज़्यादा अब दब चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये BS6 वाला वेरिएंट है जो आप कैटलेटिक कन्वर्टर देख पा रहे हैं। एंड ये बैंड पाइप और इसके साइलेंसर ने जो इसकी साउंड है वो बिल्कुल ही दबा दी है। अब ये बाइक आप लोगों को साउंड पोल्यूशन जो है नहीं निकाल के देगी। पहले साउंड पोल्यूशन बहुत करता था बुलेट, लेकिन अब ये वाला मॉडल आप लोगों को नहीं करेगा बिल्कुल भी साउंड पोल्यूशन। दोस्तों काफ़ी लोगों के लिए ये अच्छी बात है, काफ़ी लोगों के लिए बुरी भी बात हो सकती है। तो मैं आप लोगों को पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा, जैसी कंपनी आपको बाइक देती है आप इसको वैसे ही चलाइए। काफ़ी लोग इसका बैंड पाइप चेंज करवा देते हैं, सी वाला बैंड पाइप इसके अंदर लगवा देते हैं, या और भी इसके इंजन के साथ या FI के साथ मॉडिफिकेशन करवाने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए। जैसे कंपनी आपको बाइक दे रही है, अगर आपने अपने बाइक को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो वैसे ही इसको चलाइए। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों इसका जो प्राइसेस है वो 2022 जनवरी में बढ़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार रुपये इस बाइक के ऊपर बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो इसका जो हमें एक्शोरूम प्राइस आएगा दिल्ली का वो आएगा 151,830 रुपीज़, 1,51,830 रुपये एक्शोरूम प्राइस इसका हाई में आएगा। बात करते हैं ऑन रोड की, तो इसका ऑन रोड प्राइस हमें पड़ेगा 1,73,000 रुपीज़। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने स्पेसिफिकेशन की बात कर ली है, माइलेज की बात कर ली है, साउंड की हमने बात कर ली है, और आपको मैंने इसकी प्राइसिंग भी बता दी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंस डिटेल की। दोस्तों अगर हम इसको फाइनेंस कराना चाहते हैं या लोन कराना चाहते हैं तो हमें कितनी डाउन पेमेंट आएगी और क्या क्या इसकी EMIs होंगी, तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और आपके 4 कैंसिल चेक और 1 आपका एड्रेस प्रूफ। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपका लोन दोस्तों इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं उनके लिए जो रेंट पे रहते हैं। दोस्तों रेंटेड पर्सन के लिए भी लोन है वो इजीली हो जाएगा। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे, इसके साथ ही साथ आपको एक रेंट एग्रीमेंट होता है वो चाहिए होगा, तो आपका लोन दोस्तों इजीली हो जाएगा। सो फ्रेंड अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की। दोस्तों आप बुलेट 350 को मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करके ले सकते हैं। बाकी दोस्तों जो डाउन पेमेंट होती है वो डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 प्लस है तो दोस्तों आपका जो लोन है वो 90-95% तक लोन है वो ईजिली हो जाएगा। दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये 95% लोन अप्रूवल के बाद मैं डाउन पेमेंट आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूँ, ये 20 से 25 हज़ार रुपये जो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो मैं मिनिमम डाउन पेमेंट लेके चलूँगा वो लेके चलूँगा 28,000 रुपये। दोस्तों उसके जनवरी में ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये जो प्राइसेस हम बढ़ चुके हैं बुलेट 350 के। तो आपको इस वाली वीडियो में आज समझाने के लिए जो मैं डाउन पेमेंट लेके चलूँगा 28,000 रुपये लेके चलूँगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या 750 प्लस भी है तो दोस्तों तब आप इसको 28,000 रुपये डाउन पेमेंट करके ले सकते हैं। दोस्तों तो मैं कॉमन सा आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि आप 20,000 रुपये देके इसको नहीं ले सकते, आप 20,000 देके भी इसको ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया आपका सिविल स्कोर 800 या 800 प्लस होना चाहिए तो आप इसको 20,000 देके ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या 750 प्लस है तो आप इसको मात्र 28,000 रुपये देके ले सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं अब आप लोगों को EMIs बता देता हूँ। अगर आप इसको 28,000 रुपये देके लेते हैं तो आपको कितनी एनुअली EMIs आएंगी, बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 2 साल की, आपको 28,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद 2 साल की आपकी EMI जाएगी 7,560 रुपये। 30 मंथ्स की बात करें 30 महीने की आएगी 6,330 रुपीज़। 36 महीने की आएगी 3 साल की, मतलब 5,500 रुपये, 5,500 रुपीज़ आपको 3 साल की EMIs आएंगी। आप जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे आपकी EMIs उतनी ही कम होती जाएंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब चीज़ें क्लियर मैंने करने की पूरी कोशिश आप लोगों को करी है, एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। अगर आप लोगों को एक वाली वीडियो अच्छी लगी दोस्तों प्लीज़ इस वाली वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।